नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। दिल्ली से आ रही है खबर। आपको बताएं कि लालू यादव की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई है। आपको बता दें कि एम्स ने उन्हें रिम्स में ही इलाज के लिए कहा और सुबह 4 बजे डिस्चार्ज कर दिया था, और जैसे ही लालू यादव एम्बुलेंस से एयरपोर्ट के लिए निकले उनकी तबीयत फिर से ख़राब हो गई और उन्हें फिर एम्स के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि लालू यादव की तबीयत जो है वो लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। रिम्स में ज़्यादा तबीयत ख़राब होने के बाद उन्हें दिल्ली भेजा जाता है और दिल्ली में रात भर ऑब्जर्वेशन में एम्स में रखा जाता है, और एम्स के डॉक्टरों द्वारा कहा जाता है कि रिम्स में ही बेहतर इलाज होगा, वहीं चले जाएँ आप। और फिर से लालू यादव आने को तैयार होते हैं और उनकी तबीयत फिर से बिगड़ जाती है और उनको आनन फानन में फिर एम्स के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया है। आपको बता दें कि एम्स में भर्ती न किए जाने को लेकर यहां पर राजद के द्वारा काफ़ी विरोध दर्ज किया गया है। आरोप लगाया गया है कि उनकी राजनीतिक हत्या का प्रयास, हत्या करने का साजिश जो है वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार रच रही है, और लालू यादव जो कि सामाजिक न्याय के एक बहुत बड़े पुरोधा हैं, उनकी हत्या की कोशिश की जा रही है। तो आपको बता दें कि लालू यादव के रिपोर्ट जो कि एम्स में ऑब्जर्वेशन के बाद ये कहा गया कि इनकी हालत स्थिर है, रिपोर्ट पर भी सवाल पैदा होने लगे थे कि रिम्स ने आखिर कैसे ऐसा रिपोर्ट दे दिया। तो वही आपको बताएं कि जो सूचनाएं निकल के आ रही है उसके मुताबिक रिम्स के जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि लालू यादव का किडनी जो है वो स्टेज 5 में पहुँच गया है और हार्ट भी फेलियर होने का चांस था। कुल मिलाकर कहें तो उनकी स्थिति काफ़ी नाजुक है, और इसी को देखते हुए उन्हें दिल्ली रेफ़र किया गया और आनन फानन में कल शाम उन्हें दिल्ली लाया गया, एम्स में भर्ती कराया गया और ऑब्जर्वेशन हुआ। लेकिन एम्स के डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और एम्स में उन्हें भर्ती होने की ज़रूरत नहीं थी, और यही कह के उन्हें डिस्चार्ज कर दिया गया। लेकिन आपको बताएं कि अभी जो सूचनाएं अभी आ रही हैं कि लालू यादव फिर से उनकी तबीयत बिगड़ गई है और उन्हें दिल्ली के एम्स में इमरजेंसी वार्ड में फिर से शिफ्ट किया गया है, और डॉक्टरों की टीम फिर से उनकी जाँच करेगी, स्थिति को देखेगी कि क्या लालू यादव की स्थिति फिर से नाजुक हो गई है और उन्हें क्या एम्स में ही रख के उनका इलाज करना पड़ेगा। तो देखने वाली बात है कि आखिर क्या हो रहा है लालू यादव के साथ। उनकी तबीयत जो है लगातार बिगड़ते जा रही है। कल भी रांची में ख़राब हुई थी, तो आज दिल्ली कल ही शाम को लाया गया और आज दिल्ली में भी फिर से ख़राब हो गई है जब उन्हें एयरपोर्ट लाया जा रहा था और उन्हें विशेष विमान से रांची लाना था। तो दिल्ली में ही हैं लालू यादव, एम्स में ही हैं, और देर शाम तक हो सकता है कि उनका मेडिकल रिपोर्ट जारी हो कि क्या स्थिति है लालू यादव की, और एम्स फिर से एक बार फैसला लेगा कि उन्हें भर्ती किया जाए या फिर लालू यादव को रांची लौटना पड़ेगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।